मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन का सेंट्रल लाइन रूट बंद रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे ने इसको देखते हुए तैयारी कर ली है। सेंट्रल रेलवे लाइन पर मेगा ब्लॉक होने से 27 घंटे लोकल ट्रेन सहित दूसरे राज्यों से आने वाली कई एक्सप्रेस गाड़ियों पर भी असर होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और भाईखल्ला स्टेशन के बीच बने कर्नाक पुल को ध्वस्त करने के लिए रेलवे मुंबई मंडल सेंट्रल रेलवे शनिवार 19 नवंबर और रविवार 20 नवंबर को 27 घंटे का मेगा ब्लॉक करने जा रहा है। रेलवे का यह मेगा ब्लॉक मेल लाइन पर 17 घंटे, हार्बर लाइन पर 21 घंटे और मेल एक्सप्रेस कोचिंग डिपो की यार्ड लाइन पर 27 घंटे का होगा। मेन लाइन पर 17 घंटे का यह ब्लॉक CSMT और भाईखल्ला के बीच संचालित होगा। 17 घंटे का ब्लॉक शनिवार 19 नवंबर को रात 11 बजे शुरू होगा और रविवार 20 नवंबर को शाम 4 बजे खत्म होगा। इसी तरह हार्बर लाइन पर CSMT और वडाला के बीच 21 घंटे का ब्लॉक रहेगा। 21 घंटे का यह ब्लॉक 19 नवंबर को रात 11 बजे शुरू होगा और 20 नवंबर को रात 8 बजे खत्म होगा। यानी ब्लॉक शुरू होने के बाद मेन लाइन पर 17 घंटे और हार्बर लाइन पर 21 घंटे के बाद ट्रेनों की पूरी आवाजाही शुरू हो जाएगी। साथ ही मेल एक्सप्रेस यार्ड लाइन का ब्लॉक 27 घंटे के बाद यानी 21 नवंबर सोमवार को सुबह डायरेक्ट 2 बजे खत्म होगा। सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी यानी CPRO शिवजी सुतार के मुताबिक यात्रियों की सुविधा के लिए मेन लाइन पर भाईखल्ला, परेल, कुल्ला, दादर और ठाणे, कल्याण और करजत कसारा स्टेशनों के बीच लोकल ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अलावा हार्बर लाइन पर वडाला से पनवेल और गोरेगांव स्टेशनों के बीच लोकल रेल चलेगी। भाईखल्ला, परेल, दादर, कुल्ला और वडाला स्टेशनों पर ट्रेन रिवर्सल के लिए प्लेटफॉर्मों की संख्या सीमित है। मेन लाइन और हार्बर लाइन पर लोकल ट्रेनें कम फ्रीक्वेंसी पर चलाई जाएगी। यात्रियों से अनुरोध है कि अनावश्यक रूप से स्टेशन पर भीड़ भाड़ न करें। यात्रियों की सुविधा के लिए ब्लॉक प्रभावित क्षेत्र में महानगर पालिकाओं को पर्याप्त बस चलाने का अनुरोध किया गया है। ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के सेंट्रल रेलवे ने 18 मेल एक्सप्रेस ट्रेन की जोड़ियों को रद्द कर दिया है। साथ ही दादर, पनवेल, पुणे और नासिक स्टेशनों पर 68 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट या शॉर्ट ओरिजिनेट किया है। इस संबंध में पूरी जानकारी सेंट्रल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट cr.indiarailways.gov.in पर उपलब्ध है। साथ ही साथ सेंट्रल रेलवे के सोशल मीडिया हैंडल पर भी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रमुख स्टेशनों पर पर्याप्त टिकट रिफंड काउंटर्स खोले जाएंगे और यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए हेल्प डेस्क भी खोले जाएंगे। तो अगर आप भी कल इन रूट पर जाने वाले तो कृपया अनावश्यक चिंता ना कीजिए और भीड़ भाड़ भी नहीं कीजिए, और अगर ट्रेन का ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े तो कोई और वाहन यूज़ कीजिए। और लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहिए नेशंस हित से।